फ्रेंड्स, आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा बिजनेस है और हमेशा चलने वाला बिजनेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या है, इंसान की बेसिक नीड्स क्या है। बेसिक नीड्स हमारी क्या है? खाना, कपड़ा और मकान, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? खाना, यानी पेट के लिए जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है। कपड़ा ये है कि आप अभी पुराने कपड़े पहन रहे हो तो नए कपड़े 1 महीने बाद ले लूँगा, ऐसे सोचेंगे। मकान नहीं है तो मकान आप अभी किराए पे रह लेंगे। लेकिन खाना ऐसा नहीं है कि आज आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, आप कहो नहीं कल खा लूँगा या कल पी लूँगा, ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है, पुराने लोग भी कहते रहे हैं और जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते रहे हैं, और मेरी भी अपनी ये राय है कि जो खाने पीने से संबंधित जो व्यापार होते हैं वो हमेशा चलते हैं। और इन बिजनेस में, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं या आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी कितनी उपलब्ध है। तो आजकल फूड प्रोसेसिंग या फ्रूट प्रोसेसिंग ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें आप बनाई जा सकती हैं। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ फ्रूट जूस की। तो अब इस फ्रूट जूस की डिमांड 2400-1200 महीना कैसे रहेगी, ये आप समझिए थोड़ा सा बेसिक तत्व। कि देखिए, आज दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है, हम लोग बहुत लोगों के पास समय नहीं है, और जिनके पास समय हो है उनके पास भी समय नहीं है। मतलब चाहे वो शो कर रहे हो चाहे कुछ है, लेकिन समय होते हुए भी समय नहीं होता है। और आजकल आदमी आलसी भी होता जा रहा है कि सारे काम मशीन से होते हैं, सब कुछ है, तो हाथ पैरों की मेहनत भी कम हो गई है। अब कौन सेब को धोए, फिर उसको काटे या दांत से काटे, फिर खाए, बेकार है। और उसी से बढ़िया है ये है कि 1 गिलास जूस पी लो, 4-5 सेबों का रस उसमें मिल जाता है और 4-5 सेब खा नहीं पाएगा आदमी। अब ये है कि सेब का सीजन 12 मासी नहीं है, केले का सीजन चलो 12 मासी, लेकिन बाकी अनार का और भी चीज़ें हैं, अवेकेडो है, खूबी है, और भी तरह तरह की चीज़ें, मैंगो है, इनके जो सीजनल फल हैं ये 12 महीना नहीं मिलते हैं। अब आपका गर्मी में मन किया कि खा लूँ, मतलब गर्मी में तो चलो आम ने आम खा ली, सर्दी में मन किया यार कुछ आम से संबंधित कुछ हो या कुछ ऐसा हो या कुछ हो, या फिर आप कहीं बाहर फंस गए, बाहर जा रहे हैं या साथ में बच्चे हैं, तो वैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी फेप्सी ये वो आप उसको अवॉइड करते हैं, तो आप इस तरह के फ्रूट्स जूस और ये सब ले लेते हैं ताकि आगे काम आएगा मौसमी का ये वो सीज़न। तो दोस्तों, ये बिज़नेस हमेशा चलने वाला है और इसके लिए भारत सरकार काफ़ी सारे योजनाएं भी निकालती है, अनुदान भी देती है उसके लिए। अगर बड़ी यूनिट लगानी है फूड प्रोसेसिंग की तो बड़ी यूनिट के लिए सरकार कुछ रिलैक्सेशंस भी देती है। और इसके चेन्नई में एक सेंटर भी है जहाँ पर आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी यदि आपको ये फ्रूट जूस से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है या इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए है और बनाने का तरीका वगैरह, तो इस आप कर सकते हैं मुझसे बात। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इच्छा है काम करने की लेकिन कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये जो है ना बिज़नेस, इसमें 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की कोई सी भी यूनिट डालते हैं उसमें आपको पैसे की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खासकर ये आपका जैसे चिप्स वगैरह है और ये आपका जूसेस का काम है, ये बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें अच्छे लाइसेंसिंग की भी ज़रूरत भी पड़ेगी, साथ में बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए। अब आजकल मार्केट में जो जूस आ रहे हैं उसमें लोग उसको प्रिजर्वेटिव, मतलब क्योंकि एक जूस जैसे आज सन 2018 अक्टूबर में बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नवंबर में ही कंज्यूम हो जाएगा, क्या पता वो उपभोक्ता के हाथ में 6 महीने बाद पहुँचे, जो एंड कंज्यूमर है 6 महीने बाद पहुँचे। तो उसको बनाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ये लोग डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हानिकारक भी होते हैं और दूसरा उनसे जो रियल फ्रूट जूस का स्वाद होता है वो नहीं मिलता है। अब यूँ तो तमाम कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि हमारा जूस रियल है, हमारा जूस ऐसा है वैसा है, तो मैं नहीं उचित मानता हूँ। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो वाकई काम कर रही हैं इस तरह से,
उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा को बहुत कम किया है और बहुत ही छोटे लेवल पर मतलब वो उसको मतलब उसकी मात्रा को सीमित किया है और बहुत अच्छे लेवल पर वो काम कर रही हैं। और उनकी भी वैलिडिटी जो उन्होंने है, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है कि ये जूसेज जो हैं आपको रियल लगते हैं और बिल्कुल रियल स्वाद है। पल्प जो है ना उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। तो जो इस तरह के जूसेज होते हैं बिना प्रिजर्वेटिव्स के या बिना एल्कोहलिक वगैरह के, तो ये बॉडी में फ़ायदा भी करता है, देते हैं और आपका मतलब पीने में भी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो यदि आप ऐसी कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं आपको कुछ कंपनियों के एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी टर्म्स कंडीशंस को रख सकते हैं आपस में। इसमें क्या होगा, जो लोग बना नहीं सकते हैं तो वो ऐसे अगर बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं तो भी अच्छा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत अच्छा। अगर आप बनाते हैं तो आपका 35 से 40% प्रॉफिट है, अगर आप सेल करते हैं तो भी ठीक ठाक प्रॉफिट है, करीब करीब 20 से 20% प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये जो जानकारी मैंने दी है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में करें। अगले वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा नए